ने किया है, शायद आपके लिए ये जरूर वाह वाह होगा जहां पर हम बैठकर कह रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार उस तरफ बैठने के लिए मजबूर भी आप केवल इसलिए हुए हैं कि आपने 70 सालों में केवल और केवल वोट की राजनीति के तहत तुष्टीकरण किया है और लगातार उन महिलाओं के भावनाओं के साथ आपने खेला है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए, जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए, कातिल वो भी होता है जो लफ्जों के तीर चलाए, जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासूर बन जाए। जो तीन शब्द एक हस्ती खेलती ख्वातीन को पल भर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दे, उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सजा का हकदार है। और मैं आज कानून मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और तमाम महिलाओं की ओर से उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बिल लाकर भारत देश में एक स्वाभिमानपूर्ण और समानता के एक नए युग की शुरुआत की है। माननीय उपसभापति महोदय, वो दिन याद करिए, 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पक्ष में निर्णय दिया और शाहबानों सहित आम महिलाओं को विश्वास था कि इस मानवीय लड़ाई में देश की सरकार उन महिलाओं के साथ में खड़ी होगी। परंतु इतिहास की त्रासदी कहिए कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रगतिशील और रूढ़ियों के खिलाफ माने जाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस बिल के साथ में नहीं खड़े हुए और उन्होंने उस फैसले को निरस्त किया और राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने मौलवियों के साथ में खड़े होकर जो शाहबानो सुप्रीम कोर्ट से जीत गई, वो शाहबानो सरकार के साथ में हार गई। जो जीत गई वो हार गई और ये लड़ाई तब से चल रही है, आज तक चल रही है। और आज जब सदन में इस प्रकार का बिल आया है तो इस पर मुझे आज देखकर बेहद अफसोस है उपसभापति महोदय। हम मजाक की वस्तुएं हैं, महिलाएं मजाक की वस्तुएं हैं। यहाँ पर लोगों ने तलाक को मजाक के तौर पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने बार बार कहा, इस विषय की गंभीरता पर नहीं गए। जरा उस महिला को पूछिए जो तीन तलाक के बाद में सड़क पर आ जाती है, उस महिला को पूछिए और उसकी भावना को पूछिए जो हलाला के लिए तिल तिल कर मरती है, वापस अपने पति के पास जाती है। ये तीन तलाक के बाद का हलाला और आप उस पर समर्थन करते हैं। मुझे लगता है जो लोग समर्थन करते हैं वो सब महिला विरोधी हैं और आपने महिला विरोधी होने का प्रमाण इस सदन में दिया है। मुझे बेहद अफसोस है, मेरे साथी यहाँ पर उन्होंने सदन में बैठकर कहा कि मैं तीन तलाक नहीं दूंगा और यहाँ पर बैठे लोग भी तीन तलाक नहीं देंगे। पीठ पीछे क्या होता है? ये मजाक की बात अगर आप इस सदन में कहते हैं तो इससे आपकी गंभीरता तय हो जाती है कि तीन तलाक पे आप कितने गंभीर हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको ये बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूँ कि इस बिल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बिल में तलाक को केवल एक पक्ष, इस्लाम में 9 तरीके से तलाक दिए जा सकते हैं और केवल उसके एक पक्ष को जो कि अमानवीय है उसको कानून के दायरे में लाया गया है। और जाहिर है कि इससे पुरुषों के तलाक देने का उन्होंने किया है, शायद आपके लिए ये जरूर वाह वाह होगा जहां पर हम बैठकर कह रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार उस तरफ बैठने के लिए मजबूर भी आप केवल इसलिए हुए हैं कि आपने 70 सालों में केवल और केवल वोट की राजनीति के तहत तुष्टीकरण किया है और लगातार उन महिलाओं के भावनाओं के साथ आपने खेला है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए, जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए, कातिल वो भी होता है जो लफ्जों के तीर चलाए, जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासूर बन जाए। जो तीन शब्द एक हस्ती खेलती ख्वातीन को पल भर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दे, उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सजा का हकदार है।
और मैं आज कानून मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और तमाम महिलाओं की ओर से उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बिल लाकर भारत देश में एक स्वाभिमानपूर्ण और समानता के एक नए युग की शुरुआत की है। माननीय उपसभापति महोदय, वो दिन याद करिए, 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पक्ष में निर्णय दिया और शाहबानों सहित आम महिलाओं को विश्वास था कि इस मानवीय लड़ाई में देश की सरकार उन महिलाओं के साथ में खड़ी होगी। परंतु इतिहास की त्रासदी कहिए कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रगतिशील और रूढ़ियों के खिलाफ माने जाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस बिल के साथ में नहीं खड़े हुए और उन्होंने उस फैसले को निरस्त किया और राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने मौलवियों के साथ में खड़े होकर जो शाहबानों सुप्रीम कोर्ट से जीत गई, वो शाहबानों सरकार के साथ में हार गई। जो जीत गई वो हार गई और ये लड़ाई तब से चल रही है, आज तक चल रही है। और आज जब सदन में इस प्रकार का बिल आया है तो इस पर मुझे आज देखकर बेहद अफसोस है। उपसभापति महोदय, हम मजाक की वस्तुएं हैं, महिलाएं मजाक की वस्तुएं हैं। यहाँ पर लोगों ने तलाक को मजाक के तौर पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने बार बार कहा, इस विषय की गंभीरता पर नहीं गए। जरा उस महिला को पूछिए जो 3 तलाक के बाद में सड़क पर आ जाती है, उस महिला को पूछिए और उसकी भावना को पूछिए जो हलाला के लिए तिल तिल कर मरती है, वापस अपने पति के पास जाती है। ये 3 तलाक के बाद का हलाला और आप उस पर समर्थन करते हैं। मुझे लगता है जो लोग समर्थन करते हैं वो सब महिला विरोधी हैं और आपने महिला विरोधी होने का प्रमाण इस सदन में दिया है। मुझे बेहद अफसोस है, मेरे साथी यहाँ पर उन्होंने सदन में बैठकर कहा कि मैं 3 तलाक नहीं दूंगा और यहाँ पर बैठे लोग भी 3 तलाक नहीं देंगे। पीठ पीछे क्या होता है? ये मजाक की बात अगर आप इस सदन में कहते हैं तो इससे आपकी गंभीरता तय हो जाती है कि 3 तलाक पे आप कितने गंभीर हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको ये बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूँ कि इस बिल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बिल में तलाक को केवल एक पक्ष, इस्लाम में 9 तरीके से तलाक दिए जा सकते हैं और केवल उसके एक पक्ष को जो कि अमानवीय है उसको कानून के दायरे में लाया गया है। और जाहिर है कि इससे पुरुषों के तलाक देने का